Students, how are you all? Hope you are good at your place. I'm your science teacher. Now take out your science book. Now open page number 8. Today we will study lesson number 1, parts of plant and their function. पौधों के हिस्से और उन हिस्सों का काम क्या होता है. जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लास में पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा है. पौधों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और इनका काम भी अलग होता है. पौधों के हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर. पौधों के दो मेन सिस्टम होते हैं, पहला है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम. रूट सिस्टम क्या कहलाता है, ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा प्लांट का रूट सिस्टम कहलाएगा. ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा प्लांट का रूट सिस्टम कहलाएगा और ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा प्लांट का शूट सिस्टम कहलाएगा, जो पूरा ग्रीन होता है जिसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं जो हम देखते हैं, वो क्या होता है, शूट सिस्टम. अच्छा, नोड क्या होती है, नोड वो होती है जहाँ से लीव ग्रो कर रहा होता है. एक नोड और दूसरे नोड का जो फासला होता है वो इंटरनोड कहलाता है. एक नोड और दूसरी नोड, नोड क्या होती है जहाँ से लीफ ग्रो कर रहा होता है, दूसरा लीफ ये ग्रो कर रहा, जो इन दोनों का जो फासला होता है वो इंटरनोड कहलाता है. टर्मिनल बड एक शॉर्ट एक टिप होती है जो कि लीफ के स्टार्ट में होती है. पिच्यूल क्या होता है, जिससे आप लीफ को होल्ड करते हैं. रूट सिस्टम एंड इट्स फंक्शन. रूट सिस्टम और उसके काम क्या होते हैं. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम. जो अंदर ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है प्लांट का वो रूट सिस्टम कहलाता है. इट इज़ नॉन क्लोरोफिलस और ब्राउन. ये क्लोरोफिल नहीं होता इसके अंदर और ये ब्राउन होता है. क्लोरोफिल हमेशा उस चीज़ में होता है जो कि ग्रीन कलर, ग्रीन जो चीज़ ग्रीन हो. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है. इसी वजह से लीव जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम. कुछ फंक्शन दिए हुए रूट सिस्टम के, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सप्लाई इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये क्या करता है, मिनरल्स और मादनियात और पानी को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी में और प्लांट्स के जरिए डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करता है. फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड होल्ड्स इट अपराइट. ये क्या करता है, रूट सिस्टम का क्या काम होता है, मिट्टी के अंदर प्लांट को फिक्स करता है. स्टोर फूड दैट हैज़ बीन मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस. खाना जमा करता है पत्तों में, जो कि खाना किस चीज़ से बना हुआ होता है, किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए. टाइप्स ऑफ रूट्स. टाइप्स ऑफ रूट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम आर मेन डाउनवर्ड ग्रोइंग रूट विद स्मॉल रूट्स ब्रांचिंग ऑफ इट. टैप रूट सिस्टम वो होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो हो रही होती है और इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत छोटी होती हैं. यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, जो टैप रूट सिस्टम होती है प्लांट के नीचे तरफ जो होती है ग्रो करती है उसको क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम, जो यहाँ से ग्रो हो रही हो. जैसे गाजर है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है गाजर और बहुत और सब्जियों की, इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है. कैरेट, रेडिश, बीट, पोटैटोस एंड टर्निप्स आर सच टैप रूट्स. फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम की ज़्यादातर क्या होती है, इनकी जो शाखें होती हैं वो फैली हुई होती हैं और ये ज़्यादातर सेम एक ही तरह की होती है. इनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है और जो ज़्यादातर ये रूट की शाखों से बनती है. एग्जाम्पल है ग्रास, कॉर्न, लिली हैव फाइब्रस रूट्स.